वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी बेहद फरमाइश पर ज़बरदस्त सा मटन दो प्याज़ा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा चूल्हा प्रीहीटेड है मीडियम पे। अब इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो कम डाल दें और आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें, कम्प्लीटली आप पर है। चल अब इसमें हम डालेंगे 1 पाउंड प्याज जो कि हमने ऑमलेट कट की हुई है। तो चले आधा किलो तो हमने प्याज अभी डाल दी है ना, इंटरेस्टिंग। तो चले इसको हम थोड़ा सा सॉटे करते हैं। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और अब साथ साथ इसी में डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट, यानी जिंजर और गार्लिक पेस्ट। बस को भी भून लेंगे। ये प्याज जो हमने डाली है इसका मकसद ये है कि हमें बेहतरीन किस्म का मसाला ढेर सारा चाहिए। तो अभी ये इसको सॉफ्ट करने के लिए हम 2 मिनट के लिए कवर करते हैं। ब्राउन बिल्कुल नहीं करनी है, बस ज़रा सी सॉफ्ट करनी है। चल 2 मिनट हो गई है, चूल्हा हमारा वही मीडियम पे ही है। ये देखें सॉफ्ट सी हो गई है हमारी प्याज़ें। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। सब चला गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दही। दही के साथ मसालों के साथ प्याज़ों को भूनेंगे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा दही फट जाता है, तो बस आप ऐसा करें दही को ही हिलाएं और जब दही अच्छे से हिल जाए, जब सारे को अच्छे से मिला दें, बस जैसे जैसे हमें लगे कि हमारा मसाला चिपक रहा है, हम 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको भूनते रहेंगे। चले 1 टेबलस्पून और पानी डाल देते हैं। ऐसी खतरनाक खुशबुएं आ रही हैं अभी से मसाले में से। चले अब हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमारे पास ये मटन है, गोट, जो भी आपको जो भी गोश्त रेड मीट लेना हो, तो ये 2 पाउंड है यानी 1 किलो के आसपास। इसको मैंने 60% बॉइल कर लिया था, सिर्फ 1/2 टीस्पून नमक डाल के फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने फ्रिज से निकाला है और अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। मिला लेंगे अच्छे से और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप बड़ा सा एक टमाटर लेके डाल दें, ग्राइंड करके डाल दें, साबुत भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये अब हम डालते हैं 1/2 कप टोमेटो प्यूरी। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त सी है, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़ेदार है। तो चले इसको अब हम मिला लेते हैं। अच्छा गोश्त तो 60% गला हुआ था, अब ये सारे मसालों में गलेगा 20-30% और। तो बस अब बेसिकली हम इसे कवर करते हैं और चूल्हे को करते हैं थोड़ा सा स्लो। अब हमें इसे गलाना है 20-30% और, तो हम मिलते हैं 12-15 मिनट्स में। और चूल्हा हमने कर दिया है मीडियम, मीडियम हाई नहीं है, मीडियम लो कर सकते हैं, मीडियम हाई नहीं रखना। तो मिलते हैं 12-15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई है और अब हम अपना गोश्त चेक करते हैं और कुछ और चीज़ें डालते हैं। मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। चलें तो अब हम इसमें ये हम मीडियम हाई कर देते हैं दोबारा इसको। और देखें हमने 2 पाउंड गोश्त में यानी 1 किलो में 1/2 किलो प्याज पहले डाली थी जो कि ऑमलेट कट थी। अब हम 1/2 किलो और डालेंगे जो कि हमारी
ऐसी स्लाइसेस बनी हुई है, इसमें हम अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी हमें मिर्चें पसंद है इतनी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मिर्चें जिसको हमने तोड़ लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास जूलियन कटा हुआ अदरक, ये चला गया। सब मज़ेदार चीज़ें सब डाल दी हमने आखिर में, और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। बस अब हम इसको मिलाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर रखेंगे अब, क्योंकि देखें हमने 60% गोश्त तो पहले गला लिया था, उसके बाद 15 मिनट हमने पकाया तो हमारा 15-20% और हो गया। अब ये फाइनल हम इसको, ये सारी चीज़ें हमने डाली है, आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं गलाने के हिसाब से, आपका गोश्त कितना गला है उस हिसाब से। मैं नहीं डालूँगी क्योंकि प्याज का पानी काफ़ी छूटेगा। बस ये अच्छे से मिल गया, और अब हम इसको कवर करेंगे और बिल्कुल स्लो पे, यानी मीडियम लो पे, बिल्कुल लो नहीं, मीडियम लो पे रख देंगे फॉर 20 मिनट्स। तो मिलते हैं 20 मिनट्स में। देखिए 20 मिनट हो गई है, खुशबू है ख़तरनाक आ रही है। अब हम देखते हैं कि गोश्त हमारा लग कैसा रहा है और कितना गल गया है। देखने में मेरा तो परफेक्ट गल गया है, और अब मैं एक बोटी ट्राई करती हूँ। ये देखें कैसी आराम से टेंडर हो गई है। तो बस आपका भी गोश्त इस तरह से गल जाए तब आपको चूल्हा बंद करना है और निकाल लेना है, डिश आउट करना है, खाना है मज़ेदार से तरीके से। देखा कैसा झटपट हमारा मटन 2 प्याज़ा बन गया। अच्छा देखिए, इसके लिए एक तो मेरी है थ्योरी कि ये बहुत सारे लोगों को फीड करा सकते हैं थोड़े से गोश्त में, क्योंकि प्याज इतनी ढेर सारी है। और दूसरी कहावत एक मशहूर है कि मुल्ला नसरुद्दीन या मुल्ला 2 प्याज़ा जो है अकबर बादशाह के नौरतनों में से एक थे, उन्होंने एक मरतबा गोश्त बनाया और ढेर सारी प्याज डबल डाल दी। अब वो आइटम हिट हो गई, इतनी हिट हो गई कि आप लोगों ने फरमाइशें करना शुरू कर दी मुझसे और मैंने आपको बना दी। तो अब आप लोग बताएं ये कहावत सही है कि नहीं है, और अब मैं ट्राई करती हूँ। देखिए कैसा टेंडर गोश्त है। खतरनाक, इस कदर जबरदस्त है, मुल्ला 2 प्याज़ा ने तो कमाल कर डाला। अब आप लोग बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।